लोगों के दिमाग में ना अक्सर ये चलता है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है जॉब में आने के लिए तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आए और फिर ही फिर ही आपको डिजिटल मार्केटिंग का जॉब या फिर आप आईटी इंडस्ट्री में कुछ काम कर पाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल ये दिमाग से अपनी ये बातें बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के अगर मैं बात करूं तो हार्डली दो लाइन भी इंग्लिश बोल पाते हैं बट आज के डेट में 30 से 35, 40 लाख का पैकेज पर वो लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में जैसा कि जोमेटो हो गया फ्लिपकार्ट हो गया एयरटेल हो गया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में मेरे फ्रेंड काम कर रहे हैं और इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं जानते फिर भी एक अच्छी कमाई कर रहे हैं वहाँ पर अब वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर आपके पास नॉलेज है ना और आपके अंदर सीखने की मतलब चाहत है ना तो आपको कोई नहीं रख सकता लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है अब इंडिया के बंदे जाके यूएस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज में वो काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास अच्छी स्किल्स है और वो लोग वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया के बंदे साउथ में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर उनको हिंदी नहीं भी आ रही है उनको इंग्लिश नहीं भी आ रही है ना फिर भी वो एक अच्छा वहाँ पर काम कर ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पास नॉलेज है जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं जिस प्रोफाइल के लिए आप वहाँ जा रहे हैं अगर उस चीज़ का आपको आपके पास अच्छा नॉलेज है ना तो लैंग्वेज कहीं से मैटर नहीं करता अब कई लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये बात आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि नहीं इंग्लिश आना ज़रूरी इंग्लिश देखिए आपको जॉब में इंट्री के लिए के टाइम पर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है बट मैं ये एक बात आपको साफ़ कर दूं, उस समय तक एक थोड़ा सा बैरियर होता है बट उसके जॉब में आने के बाद बिल्कुल भी इंग्लिश का उतना बड़ा रोल नहीं रहता जब तक आप अपना काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका जो प्रोफाइल है ना आपका जो जॉब है ना बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है और डिजिटल मार्केटिंग या मैं की, की ही बात नहीं कर रहा हूँ आई के किसी भी सेक, सेक्टर में अगर आपने एक अच्छा नॉलेज नौ, अच्छा नॉलेज देखिए आजकल ना सब कुछ मिल जाता है सब कुछ मतलब आज चैट जी आ चुका है ए मतलब ऐसा ऐसा मतलब आ गया है आप दो लाइन लिख दीजिए कि मुझे एक मेल टाइप करना है जिसमें मुझे कुछ चार दिनों की छुट्टी चाहिए आपको कुछ नहीं करना है वो मेल टाइप करके वो बंदा आपको दे देगा बिल्कुल एक, एक ऐसा देगा कि मतलब एक कोई प्रोफेशनल भी वैसा मेल नहीं लिख सकता आपको किस चीज़ की मतलब कि आपको सोच है कि आपको दिक्क, आ, दिक्कत आएगी तो बस वहाँ से कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए भेजिए और काम आपका बिल्कुल चल पड़ेगा आधा मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में समझ लीजिए 80 परसेंट काम तो आपका जो चार जी है वो करके दे देता है किसी तरह का भी सवाल आप पूछिए उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब आपको मिल जाएगा और वो आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं ऐसा आता है बस एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिए बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि अब कोई अगर ये बात बोल रहा है कि इंग्लिश के कारण मेरा जॉब नहीं लग रहा है तो बिल्कुल ही वो गलत है सिर्फ अगर मैं बोल लूँ कि सामने वाला आपसे ये जाना चाहता है कि आपको इंग्लिश की समझ है कि नहीं है समझ रहे हैं कि अगर कोई एक मेल आ रहा है तो आप उसे पढ़ के समझ तो सके उस मेल पर क्या लिखा हुआ है बस इतना सा काम करना है और आपको कुछ नहीं करना अगर आप वो मेल पर क्योंकि जो भी मेल आता है वो कॉम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है वो हिंदी में नहीं होगा वो इस जना में मतलब क्या मैं बोलूं कि आप पिछले दस सालों में कोई कभी भी हिंदी में नहीं आने वाला अब फिर भी अगर बाई चांस आपको वो मेल का मतलब नहीं समझ में आता है, तो अपने सीनियर से पूछिए या फिर उसको कॉपी करके कहीं गूगल में पेश कीजिए और उसका हिंदी वर्जन निकाल के पढ़िए ठीक है क्लाइंट बस इतना जा, जानना चाहता है कि इंग्लिश की समझ है या बिल्कुल ही नहीं है मतलब आप एक लाइन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तभी आपको जॉब में दिक्कत हो सकती है कि बिल्कुल भी एकदम एकदम ज़ीरो हैं हम इंग्लिश में तभी आपको दिक्कत हो सकती है नहीं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बोल नहीं पाते कोई दिक्कत नहीं है बस इतना सा आ जाए कि हाँ आप जो मेल आ रही है आप उसे पढ़ पाते हैं और उसका रिप्लाई कर पाते हैं इतना आ जाए काम बन जाएगा उससे ज़्यादा इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एक टाइम और जरूर होता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो कि नॉर्मल है हर एक क्लाइंट मतलब कि हर एक इंटरव्यूअर ये सवाल आपसे जरूर पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब भी ये बात बोलेगा तब आपको जो रिप्लाई देना है वो इंग्लिश हिं, हिंदी का अगर आपने मिक्सचर भी रखे गए ना आप तब भी आपका काम बन जाएगा समझ रहे बस इतना इतना सा ही होता है और आप आराम से चल पड़ेंगे ठीक है तो धीरे धीरे करके जब आप जॉब में आते हैं धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश ना इंप्रूव करना चालू कर दीजिए देखिए अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको और आप एक अच्छी कंपनी में अपना जॉब कर पाएंगे बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर नमस्कार